हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम लर्न वर्ल्ड एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट आपको यहाँ मिलते रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं TGT और PGT के एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है सामने, जिसका हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन द्वारा क्या अपडेट आ रही है, इसको हम इस वीडियो में आपको विद प्रूफ देने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं कराया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट हम आपको देते रहते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज अंतिम तिथि है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये आज की ही न्यूज़ है 20 मई, और अब जो आवेदन की जो तिथि है उसे दोबारा इंक्रीज नहीं किया जाएगा, दोबारा बढ़ाया नहीं जाएगा। तो जिन विद्यार्थियों ने अपना अभी तक फाइनल सबमिशन नहीं कराया वे जाके कर सकते हैं। काफ़ी सारे विद्यार्थी ऑलरेडी कमेंट्स के माध्यम से पूछ रहे थे कि TGT और जो PGT के आवेदन की तिथि है तो क्या वह दोबारा से इंक्रीज करी जाएगी। तो हम आपको बता दें कि जो TGT और PGT के आवेदन की जो तिथि है अब इसे दोबारा से इंक्रीज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 3 से 4 बार परीक्षा की जो तिथि थी आवेदन करने की उसे बढ़ा दिया गया था, तो अब ये दोबारा इंक्रीज नहीं होगी। तो जाके आज अपना फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। और हम आपको बता दें कि TGT और PGT में अब तक टोटल जो आवेदन हो चुके हैं उनकी संख्या 11.5 लाख बताई जा रही है, और ये जो फाइनल इसका जो पूरा कितने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुए हैं ये आपको 21 तारीख को पता चल जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो वह वीडियो जरूर देखें, इसका अपडेशन न्यूज़ हम आपको 21 तारीख को दे देंगे कि कितने आवेदन इसमें हो चुके हैं। और जितने हम बात करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा आवेदन जिसमें हुए हैं वह है आर्ट में TGT में। PGT की बात करते हैं तो PGT में जो सबसे ज़्यादा आवेदन हुए हैं वह हुए हैं हिस्ट्री में। अब हम आपको बता दें कि जो आपकी परीक्षा है वह कब होगी, तो इसके संबंध में भी एक हम आपको महत्वपूर्ण अपडेट देने वाले हैं। देखिए, जो कि UPSC का एग्ज़ाम है 2021 का, जो कि आपको बता दें कि स्थगित कर दिया गया था कोरोना वायरस को देखते हुए। अब इसकी जो अपडेशन न्यूज़ है वो भी हम आपको दिखला देते हैं कि इससे पहले जो एग्ज़ाम होना था ये 27 जून को होना था। देखिए, आपको दिख रहा होगा ये एग्ज़ाम 27 जून को होना था, और कोरोना वायरस को देखते हुए अब इसकी जो नई परीक्षा तिथि है उसे भी जारी कर दिया गया है। जैसे कि आपको दिख रहा है जो इस एग्ज़ाम की नई परीक्षा तिथि है वह है 10 अक्टूबर 2021, यानी अब इस परीक्षा को 10 अक्टूबर 2021 को कराया जाएगा, जो कि 27 जून को होनी थी। ऐसे में जो इतनी बड़ी परीक्षाएं जो कि सभी राज्यों में आयोजित की जाएंगी, तो यहां पर भी यूपी में जो परीक्षा कराई जाएगी TGT और PGT की, जिसके लिए काफ़ी सारा प्रेशर पहले से ही सरकार पर बना हुआ था, क्योंकि इस परीक्षा को पहले से ही कराना था और कोरोना वायरस को देखते हुए ये परीक्षा नहीं हो पाई, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशर सरकार पे पहले से दिख रहा है। और आपको बता दें कि विधानसभा के चुनाव भी आपको जल्द देखने को मिलने हैं, तो काफ़ी बड़ा वोट बैंक इसी के माध्यम से दिया जाएगा। तो विद्यार्थियों को भी इस समय काफ़ी आक्रोश दिखने को मिल रहा है, क्योंकि कोई भर्ती यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो ऐसे में आपको बता दें जो ये भर्ती प्रक्रिया जो स्टार्ट होगी इसके जो चांस बन रहे हैं पूरे के पूरे, जो कि माध्यमिक शिक्षा चयन द्वारा दिया जा रहा है, तो इस परीक्षा को सितंबर में कराने की बात सुनने में आ रही है कि इस परीक्षा को सितंबर की मिड में कराया जा सकता है, यानी 15 से लेकर 20 तक इस परीक्षा को आयोजित कराया जा सकता है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद अपना ही इंटरनल कार्य कर रहा है कि किस तरह से इस परियोजना को आयोजन किया जाए। तो इससे संबंधित जो भी अन्य अपडेट होगी वो भी आपको मिल जाएगी। आशा करते हैं आपको न्यूज़ अच्छी लगी होगी। इससे संबंधित जो भी अन्य अपडेट आएगा वो भी आपको मिल जाएगा कि परसों कितने इसमें कुल रजिस्ट्रेशन हुए हैं और सबसे ज़्यादा फॉर्म्स किस में पड़े हैं, और कोई अन्य अपडेट होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर एक अन्य अपडेट के साथ। धन्यवाद।